सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। भाई साहब, जैसे ही मैंने छत पे आया देखा, ये देख बंदर क्या कर रहे हैं सब, मजे से अपना जू निकलवा रहे हैं। ओहो क्या बात है, इन लोग का प्यार दुलार अलग ही रहता है बंदरों का, जानवरों का। इनसे कुछ सीखना चाहिए हम इंसानों को। वो देखो, ओहो चलिए कपड़ा पसारते हैं। किसी और के भी कपड़े गिरे हुए थे तो उनका भी उठा दिए, थोड़ा इंसानियत। तो गाइस, आज का बात ये है, तो आज मैंने कल किसी वीडियो में बताया था कि पढ़ाई नहीं किया है और पढ़ाई हो नहीं पा रहा है। तो आप लोग बेनिसंकोच आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए और जो भी मन में आए वो पूछ लिया कीजिए किसी से भी, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, चाहे किसी से भी। कोई हेल्प चाहिए या तो मुझसे कह सकते हैं या तो किसी और से कह सकते हैं। कोई भी कठिनाई को अगर पार करते हैं तो जो कठिनाई होती है उसको पार करने में टाइम लगते हैं। यार मुझे पहले लगता था ना कि मैं मतलब गलत कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ। नहीं कि देखिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है, मतलब अप्रोक्स आप लोग अपने जीवन के मतलब आगे पढ़ाव के लिए आप लोग जरूर पढ़ाई करें। घूमना फिरना तो चलता रहता है, अब मात्र 22 दिन और रह गए हैं इसी काम के लिए। और देखिए इसमें क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती स्टूडेंट को। अब हम लोग कहते हैं शहर में हम लोग को घर जाना है, तो घर जाएंगे तो भैया 2 दिन तो चला जाएगा उसमें, और घर पे पढ़ाई होती नहीं है तो लगभग हमको 2 दिन वहाँ वेस्ट करना पड़ेगा। और आज से तैयारी करना है कि घर जाना है तो लगभग 3 दिन। देखिए पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की, अब 1 महीना बचा हुआ था, 1 महीना के अप्रोक्स हाफ मंथ समझ लीजिए, हाफ मंथ का मतलब 20-25 दिन। तो अब उसमें भी हम लोग को टाइम बचाना है, पढ़ना भी है, घर भी जाना है, होली भी मनानी है, त्यौहार भी आ गए हैं, त्यौहार को भी देखना है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। तो कठिनाइयाँ स्टूडेंट के लाइफ में बहुत सारी हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर मारिए, एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए आप लोग। अब करेंगे लेट तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं अपने आप पे लागू नहीं कर रहा हूँ। मैं भी अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो देख देख कर किसी और का। तो आप लोग मेरे वीडियो से अगर मोटिवेट हो रहे हैं पढ़िए, अगर परीक्षा में फेल हो गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, अपने रिश्तेदारों में तो छोड़िए, अपने खुद को अपने आप से पूछिए कि अपने आप को मुंह दिखा पाएंगे कि नहीं। तो चलिए ठीक है, वो तो बात की बात है, और बात करें तो सब लोग पास हो जाएंगे, मेरा पूरा दुआ है और भगवान का कृपा है कि आप लोग जरूर पास होंगे, भले ही आप लोग ना पढ़े हों। लेकिन इतना तो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसी तो पहुँच नहीं गए, कुछ ना किए हैं तभी तो पहुँचे हैं, कुछ ना कुछ किए हैं तभी तो पहुँचे हैं यहाँ तक, तो वैसे ही ये भी कट जाएगा। तो बस आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग परीक्षा बढ़िया से दीजिए और मैं भी बढ़िया से दूंगा परीक्षा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अब तक नहीं किए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी कुछ दिक्कतें हों और अच्छी लगी मेरी बात हो तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है, ऐसे डेली मैं वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा।